नमस्कार, स्वागत है आपका स्वाद अनुसार पे। मैं हूँ आपकी शेफ, आपकी होस्ट सीमा। जब उपवास होते हैं सबसे बड़ा सवाल होता है कि कौन सी सब्जी बनाएं। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक उपवास की सब्जी जिसे हम कहते हैं कद्दू, उसे हम लाल भोपला भी कहते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे बनती है कद्दू की सब्जी। तो चलिए सबसे पहले हम डालते हैं 2-3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। सबसे पहले हम लेते हैं मेथी के दाने, करीबन आधा चम्मच या 1 टेबल स्पून। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम डालेंगे इसमें आधी चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, आधी चम्मच कलौंजी, अब जाएगा तेज पत्ता और 2-3 कटी हुई हरी मिर्चें। इसे अच्छे से हिला लेंगे। अब हम लेंगे कद्दू, ये करीबन आधा किलो कद्दू है। और जब हम कद्दू काटें कोशिश यही होनी चाहिए कि इसके पीस बड़े बड़े हों, क्योंकि जब ये पकते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं और एकदम छोटे हो जाते हैं, तो इन्हें थोड़ा थोड़ा खड़ा रहना चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लेंगे हम नमक, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्ची ऑलरेडी डाल चुके हैं, और थोड़ी सी हल्दी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमारे मसाले सब डल चुके हैं, आस्ते आंच पे हम इसे 10 मिनट तक रखेंगे। कद्दू हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है, आप देख सकते हैं कि इसके पीस अभी भी बड़े हैं, इतने छोटे नहीं हुए हैं। अब इसमें डालूंगी मैं 2-3 चम्मच इमली, इमली का जो पल्प रहता है, और इसमें जाएगी आधी चम्मच शक्कर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 5 मिनट के लिए ढक देते हैं आस्ते आंच पे। हमारा कद्दू अच्छे से बन गया है और अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा कोथमीर धनिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसे सर्व करते हैं। ये रही हमारी कद्दू की सब्जी। वैसे तो कद्दू की सब्जी किसी को पसंद नहीं आती, पर अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। बनाइए और हमें लिखिए और देखते रहिए स्वाद अनुसार। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।